So guys, 2024 आते ही टाटा ने अनाउंस कर दिया है कि इस साल वो अपने वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट का ईवी अवतार मार्केट पे लाने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा पंच के ईवी वेरिएंट की। तो इस साल आपको टाटा पंच का ईवी वेरिएंट इंडियन मार्केट में दिख जाएगा। अब इस ईवी वेरिएंट में खास क्या है, तो ये ईवी वेरिएंट एक न्यू आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होने वाला है। ये पुराने ज़ेप्टॉन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड नहीं होगा जिसपे टाटा की बाकी ईवी कार्स बन रही थी। ये बिल्कुल न्यू आर्किटेक्चर है। इस न्यू आर्किटेक्चर की वजह से इस बार इस प्रोडक्ट की आपको रेंज भी ज़्यादा बढ़ेगी देखने को मिलेगी। इसके अलावा न्यू आर्किटेक्चर बेस्ड है तो आपको जो इसका फ्लोर है कार का वो भी बिल्कुल फ्लैट फ्लोर मिलेगा। उसके अलावा मल्टीपल इम्प्रूव्ड रेंज आपको अब टाटा ईवी कार में देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब अब आपको ये कार पहले से ज़्यादा अच्छी और बेहतर रेंज देगी। इसके अलावा अगर बात करूँ कार के एक्सटीरियर लुक की, तो कार के एक्सटीरियर लुक को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब इसमें आपको नेक्सॉन की तरह कनेक्टिंग DRL देखने को मिलेगी एंड जो हेडलैम्प का सेटअप है वो भी कहीं ना कहीं नेक्सॉन से इंस्पायर लग रहा है। तो अगर आप इस कार को ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिनी नेक्सॉन की याद दिलाएगी। एंड जिस न्यू आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इस कार तक लिमिट नहीं है। आने वाले 1.5 साल में आपको टाटा की 5 कार्स इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। एंड टाटा के अकॉर्डिंग जितनी भी इनकी ईवी कार्स इस 1.5 साल में मार्केट में आने वाली है, चाहे बात करें कर्व के ईवी वेरिएंट की, चाहे बात करें हैरियर के ईवी वेरिएंट की, सभी इस न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। इस न्यू टाटा पंच ईवी में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ये कार आपको 10 मिनट में 100 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी। बात करें कार में मिलने वाले बैटरी ऑप्शंस की, तो ये कार 2 बैटरी ऑप्शंस में आपको मिलेगी। एक इसका नॉर्मल रेंज वर्जन जो कि 25 किलोवाट का, और दूसरा इसका लॉन्ग रेंज वर्जन जो कि आपको 35 किलोवाट का मिलेगा। इसी के साथ बात करें कार में मिलने वाले चार्जिंग ऑप्शन की, तो इस कार में आपको 2 चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक इसके नॉर्मल वेरिएंट 25 किलोवाट के लिए 3.3 किलोवाट का चार्जर, और एक इसके 35 किलोवाट बैटरी के लिए 7.2 किलोवाट का चार्जर आपको देखने को मिलेगा। एंड बहुत ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से 2 बैटरी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कार की रेंज में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा एंड प्राइस में भी। बात करें कंपनी क्या क्लेम कर रही है, कंपनी इस बार रियल टाइम 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रही है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी रेंज है। एंड अगर रियल टाइम पे कार 300 किलोमीटर की रेंज आपको दे रही है तो आई डोंट थिंक सो इससे अच्छी कोई और बात हो सकती है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस टाटा पंच को बहुत खास बनाती है, एंड मेरे अकॉर्डिंग ये कार वन ऑफ द बेस्ट ईवी कार हो सकती है 2024 की। बात करें इस कार में मिलने वाले ऐसे फीचर्स की जो इसकी कंपटीशन की और ईवी कार्स में आपको नहीं मिलेंगे। इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको नेक्सॉन में देखने को मिल रहा है, इसी के साथ साथ 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा जो कि करंटली आपको नेक्सॉन और हैरियर में देखने को मिलता है। उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर भी इस कार में अब एड ऑन कर दिए गए हैं। तो बात करें इस कार में मिलने वाले वेरिएंट्स की, तो इस कार में मिलने वाले वेरिएंट्स को कंपनी ने इसके बैटरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखा गया है। बात करें इसके नॉर्मल रेंज के वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड एंड एम्पावर्ड प्लस देखने को मिलेगा। एंड वही बात करें इसके लॉन्ग रेंज बैटरी ऑप्शन की, तो उसमें आपको एडवेंचर, एम्पावर्ड एंड एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि ये कार एक 5-स्टार रेटेड कार है, एंड इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं जो कि इस कार को और ज्यादा डिमांडिंग बनाते हैं। इस कार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो इस कार में आपको ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स, ऑटो होल्ड, 6 एयरबैग्स एंड ऑल 4 डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस कार में अब आपको ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव एंड रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा, जो कि इस कार को बाकी सेगमेंट की कार से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। तो गाइस, क्या आप भी इस कार का वेट कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं इस कार की प्राइसिंग की। तो इस कार की प्राइसिंग समवेयर अबाउट 10 लाख टू 13.5 लाख के बीच में रखी जाएगी, एंड जो कि काफ़ी अच्छी हेल्दी प्राइसिंग है। एंड अगर इस प्राइसिंग पे ये कार लॉन्च होती है तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, एंड डेफिनेटली आप इस कार को कंसिडर कर सकते हो अगर आप भी एक अच्छी ईवी कार अपने लिए ढूंढ रहे हो। एंड टाटा ने इस कार की ऑफिशियली बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है, आप अपने नियरेस्ट शोरूम या ऑनलाइन इसकी 21,000 में बुकिंग करा सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।